Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना सिटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे की बटन को भी दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए सूचना मिल जाएगी। मिथिला नगरी में रेलवे चलाएगी श्री रामायण एक्सप्रेस। भारत और नेपाल के बीच श्री रामायण एक्सप्रेस 14 नवंबर से चलेगी, जो दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से खुलकर अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, सीतामढ़ी, जयनगर होते हुए जनकपुर नेपाल तक जाएगी। रेलवे की तरफ से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। मालूम हो कि भारत के जयनगर से नेपाल के जयनगर में रेल लाइन का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। धार्मिक महत्व एवं लोगों की आस्था भी जनकपुर से जुड़ी हुई है। इरकॉन दोनों देशों के बीच रेल परियोजना पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री इस रेल परियोजना को देश को समर्पित करेंगे तथा दोनों देशों की मित्रता और संस्कृति को एक नया आयाम देंगे। पूरी योजना में जयनगर से कुर्था के बीच 38 किलोमीटर के बीच प्रथम चरण में परिचालन होगा। दूसरे चरण में कुर्था वर्दीवास के बीच 2019 से परिचालन की तैयारी जोरों पर है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।